नमस्कार, एक बार फिर मैं आपका इस चैनल हिम तक पर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होने वाली थी उसकी इन्फॉर्मेशन। कल बहुत से लोग मांग रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती है वो कब होगी या इसका एग्ज़ाम वगैरह जो है वो कब होगा। तो मैंने सोचा पूरी जानकारी आज हम आपको दें। और पिछले कल जैसे हमने आपको वो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती डाली थी जिसमें 1000 पोस्टें भरी जानी, आज से वो पोस्टें भरी जानी, ठीक है। तो पिछले कल ही नोटिफिकेशन आ गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, तो उसमें जो बताया है उसको देखकर कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग दुखी हो जाएंगे। दुखी क्यों हो गए और खुश क्यों हो गए तो पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। जितने लोग देखेंगे उतने लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि हिम तक आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसमें कुछ और हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये नोटिफिकेशन आज है 29, ठीक है, 29 मार्च है, और कल तक आपके जो 30 मार्च को आपके न्यूज़पेपर जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको ये जानकारी आपके न्यूज़पेपर में आ जाएगी कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है उसका ये निर्णय क्या हुआ है। तो ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। डेट है इस नोटिफिकेशन की 28/3/2019 को ये आई है, 28 मार्च को, और आज है 29 मार्च, ठीक है। तो हम आपको बता रहे सबसे पहले इस चैनल हिम तक के जरिए। जब ये भर्ती आई थी तभी आपको हमने बताया था कि सबसे पहले जानकारी हमने आपको दी थी, और जो भर्ती के लिए अभी तक घोषणा हुई थी वो भी हमने ही आपको जानकारी इस चैनल के जरिए दी थी कि फॉरेस्ट में भरी जाएंगी 123 पोस्टें, ठीक है। तो जानकारी आपको सबसे पहले हम ही देते इस चैनल के जरिए। अब जो नोटिफिकेशन आई है, जानकारी आई है, वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, फेलिंग अप टू द वैकेंट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये कोटा भर और डायरेक्ट जो फॉरेस्ट गार्ड की ये पोस्ट है, ठीक है, ये वैकेंट जो खाली पोस्ट है थी ये भरी जा रही थी। अब जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है, जो सब्जेक्ट टेस्ट में, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी ये पोस्ट है थी। अब जो लेटर ये जारी की गई नोटिफिकेशन, इसमें लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर लेटर नंबर, आपकी स्क्रीन पर ये लेटर नंबर आ रहा है, ठीक है, और डेट आ रहा है 20 मार्च 2019 ऑन द सब्जेक्टेड अबोव एंड द इन्फॉर्म यू दैट द गवर्नमेंट हैज़ बीन डिसाइडेड पेंड द मैटर टिल फर्दर ऑर्डर्स इन व्यू ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, आचार संहिता का जिक्र हुआ है फॉर लोकसभा इलेक्शन 2019। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए जो पुलिस वन विभाग की जो वन रक्षक की जो भर्ती थी उसको रोक दिया गया है। तो जब तक इसका कोई अगला आदेश नहीं आ जाता, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन अगला ऑर्डर आदेश नहीं आता है तब तक इसकी भर्ती रुकी रहेगी, ठीक है। तो ये जानकारी है आपके लिए आज के लिए, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। चाहे तो आप HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो नोटिफिकेशन है उस पर भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इसकी, और वो ये नोटिफिकेशन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गोपाल शर्मा IAS स्पेशल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपकी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। अब जो इसमें बताया हुआ है वो देख लीजिएगा। तो 29 मार्च को ये नोटिफिकेशन पहुँची है, ठीक है, हमारे पास, और ये जारी भी की गई थी 29 मार्च को। कल आपको ये नोटिफिकेशन और इसके बारे में आपको न्यूज़पेपर में जानकारी मिल जाएगी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती उस पर लगी रोक, आचार संहिता के चलते रोक लगी है, ठीक है। तो किस किस को नोटिफिकेशन गई है, जानकारी दी गई है, तो ये आपके काम की चीज़, जिन्हें जो भी आपके काम की चीज़ थी उसकी जानकारी हमने आपको इस चैनल के जरिए दे दी है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती उस पर रोक लग गई है। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि क्या करना है, आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा करने का हमारा मकसद नहीं है। तो जो इसकी डेट है वो हमने आपको बता दी। अब जो इसका एग्ज़ाम था वो था 21 अप्रैल को, ठीक है, 21 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम रखा हुआ था कि 21 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। 5 तारीख तक आपकी जो भर्ती थी ग्राउंड वगैरह होना था, ठीक है, 5 अप्रैल तक। तो अब जो भी होना है वो चुनाव के बाद होगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार कब होगा ये इलेक्शन, तो का रिजल्ट तो 23 मई को आएगा, तो फिर कब तक आप इसके लिए वेट करोगे, जहाँ तक हमारा अनुमान है, ठीक है, अनुमान के आधार पर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं और कह रहे हैं, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है, ये अनुमान नहीं है, ये बिल्कुल सही है। परंतु जो भर्ती है उसके लिए आगे के लिए हम बता रहे हैं आपको
जहाँ तक हमें अनुमान है इसका कि जब आपके इलेक्शन हो जाएंगे हिमाचल के, ठीक है, हिमाचल में जिस दिन वोट पड़ जाएंगे उस दिन के बाद 5-7 दिन के बाद फिर ये भर्ती का जो प्रोसीजर है, ये प्रक्रिया जो भी है, ये शुरू हो जाएगी, ठीक है। रिटर्न की तैयारी फिर आप तैयार रखिएगा, तैयारी आप रेडी रखिएगा। आपको इसके लिए जो सिलेबस या ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको एक चैनल है हिम नॉलेज, ठीक है, उस पर आपको जानकारी दे देंगे। हिम नॉलेज एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे उस चैनल का, वहाँ से आप उसको लाइक कर लीजिएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो फॉरेस्ट गार्ड के थे वो हम आपको उसमें दे देंगे, और साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में नीचे डाउन करके आप कमेंट कर दीजिए, पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो बाकी अगर आपको कुछ सवाल है, कुछ भी जानना है आपको, हमें आप बता सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, जो लोग भी देखेंगे वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है ताकि आपको हम इन्फॉर्मेशन दें। तो रात के 2:16 आ रहे हैं और हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आज के लिए इतने ही, नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद, जय हिंद।